तो अब हम इस टॉपिक में जो आज का लेक्चर है, बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि जो चैटबॉट है ना, वो क्या काम करता है, कैसे काम आता है, कैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, और एजुकेशन में किस क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या है, हमारा टाइटल है ऑलरेडी, ये हमारा टाइटल इधर मेंशन है, ठीक है, यूजिंग चैट जीपीटी टू क्रिएट चैटबॉट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, तो जो चैटबॉट हमें लर्निंग के एक्सपीरियंस दे रहा है, कैसे देता है, ये कैसे काम करता है, इससे हम क्या ले सकते हैं, है ना, और क्या अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें, ये आज हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल तो वर्क हो गई होगा, प्रैक्टिकल के साथ हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल भी है इस पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि ये इसमें क्या समझना है हमें, हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग चैटबॉट बेस्ड लर्निंग। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग चैटबॉट लर्निंग के बारे में हमें समझना है कि कैसे चैटबॉट लर्निंग काम करता है, कैसे हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक तो आज हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली जो चैट बॉट है, तो चैट बॉट तो क्या काम करता है, और एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, चैट बॉट बेस्ड लर्निंग के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली तो व्हाट आर द एजुकेशनल चैट बॉट, है ना, क्या होते हैं ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन एंड फंक्शनैलिटी क्या है चैट बॉक्स की, है ना। तो एजुकेशनल चैट बॉट्स आर ऑल क्या है, एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट डिजाइन टू सपोर्ट इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। दे कैन प्रोवाइड द पर्सनलाइज लर्निंग रिसोर्सेज, आंसर क्वेरीज, इंगेज स्टूडेंट इन द इंटरेक्टिव एजुकेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब जिस तरह से हम किसी से बातचीत करते हैं, जो हम उसका क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा आंसर करेगा, तो ये आर्टिफिशियल पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, जो ये क्या करता है, ये पर्सनलाइज लर्निंग का रिसोर्स ऐसे हमारी क्वेरीज के आंसर देता है, इंगेज स्टूडेंट इन द इंटरेक्टिव एजुकेशनल एक्टिविटी, और इंटरेक्टिव जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसमें क्या करता है, ये हमें मदद करता है। तो अब इसके फायदे क्या है, दीज चैटबॉट ऑफर द 24/7 सपोर्ट, पर्सनलाइज फीडबैक एंड अडॉप्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, कैटरिंग टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड टू द लर्निंग स्टाइल। ठीक है ना, तो इसके क्या बेनिफिट है, इसके बेनिफिट बहुत सिंपल से, 24/7 आपकी मदद के लिए ये हाजिर है, पर्सनलाइज फीडबैक में मदद करता है, अडॉप्टिव लर्निंग में मदद करता है, बहुत सारी चीजों में मदद करता है। द केस स्टडीज क्या है, एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ द एजुकेशनल चैटबॉट इन द एक्शन, शोकेसिंग देयर इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर इम्पैक्ट किस पे इम्पैक्ट करता है, इंगेजमेंट एंड नॉलेज एक्विजिशंस, है ना। तो हमें रियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है उसे, जो हम लोग रियल रियल वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि रियल रियल
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब ये जो अभी हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज हो रही है, उस सारी चीजों को क्या करता है ये, हमें शो शो शोकेसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करता है, तो ये हमें एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड एजुकेशन चैटबॉट इन द एक्शन शोकेसिंग देयर इम्पैक्ट इन स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है ना। तो ये समझ गया कि व्हाट इज द चैटबॉट, चैटबॉट क्या है, इसके बारे में समझ गए क्या डेफिनेशन इसके बारे में। तो दूसरी चीज ये है इसमें कि ये चैटबॉट जो है ना, पेडोगोजिकल फ्रेमवर्क द चैटबॉट इंटीग्रेशन। तो ये पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग के बारे में भी कल हमने पढ़ा है, रिसर्च इंसाइट्स। तो आज हमारा जो वर्क रहेगा, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे, बेसिकली हम लोग रिसर्च इंसाइट्स पर प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से है ना अंडरस्टैंड द पेडोगोजिकल रिसर्च सपोर्टिंग द एफिकेंसी ऑफ द चैटबॉट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इम्फोसाइज द अलाइनमेंट विद द मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी। कि किस तरह से हम कोई एक जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो किस तरह से चैटबॉट विल हेल्प अस, ठीक है ना। या चैटबॉट में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, हम उससे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, हम उससे डाटा का एनालाइज कैसे करवा सकते हैं, हम मॉडर्न थ्योरीज को कैसे हम लोग इंट्रीगेट कर सकते हैं अपने फ्रेमवर्क में यानी अपने स्टडी में, यानी बहुत सारी चीजें होंगी ना। तो पर्सनलाइज लर्निंग पैथ भी हम लोग पढ़ चुके, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस भी पढ़ चुके, और वी आर यूजिंग द चैट जीपीटी, जेमिनी एआई और बिंग एआई, ऑल आर द चैट बॉट। तो सारे क्या है, सारे चैट बॉट है। और ये चैटबॉट क्या करते हैं, व्हेन एवर वी आर गिविंग देम द कमांड, तो वो क्या करते हैं, हमारी क्वेरी को आंसर करते हैं। तो जब वो हमारी क्वेरी को आंसर करते हैं तो वी गेट लॉट ऑफ, मतलब मोर एंड मोर क्या है, इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो आज हम तो हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा रिसर्च इंसाइट्स पे रहेगा, ठीक है ना। तो द अनदर वदर स्टूडेंट सेंट्रिक बेनिफिट्स, तो स्टूडेंट को क्या क्या फायदा होता है, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविलिटी। एजुकेशनल चैटबॉट प्रोवाइड द एक्सेसिबिलिटी फ्यूचर कैटरिंग द डाइवर्स लर्निंग नीड टू इंश्योर इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन सेटिंग। तो ये एक्सेसिबिलिटी देता है हमें, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझाता है, हम जो भी चाहते हैं वो हमें हम इससे जो भी पूछना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को हमें क्या कर देता है, बता देता है। इंस्टेंट सपोर्ट एंड फीडबैक, इंस्टेंट सपोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें हमें पूछना है कि कैन यू एक्सप्लेन कि वॉट इज द एआई, तो ये तुरंत एकदम 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 आपको क्या कर देगा, आपको आंसर दे देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। आपने मोबाइल पे उठाया, मोबाइल से चैट जीपीटी बोले कि वॉट इज द एआई, तो एआई हम तो चैट जीपीटी विल आंसर यू कि वो एग्जैक्टली वॉट इज द एआई, और बहुत अच्छा आंसर देगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब है इंस्टेंट सपोर्ट एंड फीडबैक। तो ये क्या करता है, इंस्टेंट सपोर्ट भी देता है और फीडबैक भी देता है। इसका मोटिवेशनल इम्पैक्ट, और इसका मोटिवेशनल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है स्टूडेंट पे, क्या पड़ता है, द यूज ऑफ द चैटबॉट कैन इनहेंस द स्टूडेंट मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग द सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग लर्निंग एटमोस्फियर, है ना। तो जब उसको सारे जो कोई किसी भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन करता है ना, कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करता है, कोई ऐसे को राइट करता है, या कोई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ही कैन क्या कर सकता है, ही कैन हेल्प, ही कैन डिमांड ऑन हेल्प, यानी वो उसकी मदद मांग सकता है कि भाई आप चैट जीपीटी महोदय काइंडली टेल मी कि एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जब उसके पास नॉलेज होगी तो ही कैन स्पीक टू फ्रंट ऑफ एनी अनदर, किसी के भी सामने वो बोल सकता है, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट ही नहीं होगा। तो ये क्या करता है, जब आपको आप इससे नॉलेज को इनहेंस करते हैं, तो ये करके आपको क्या करता है, आपके पास मोटिवेशनल इम्पैक्ट डालता है आपको, है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करता है ना। द अनदर वन एथिकल कंसिडरेशन प्राइवेसी, एथिकल कंसिडरेशन प्राइवेसी प्राइवेसी के बारे में मैं आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारा बता चुका हूँ, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एथिकल यूज ऑफ द एआई, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस।
तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या, एज पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन गवर्निंग द यूज ऑफ एआई एंड चैटबॉट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंश्योरिंग एडिंग द लीगल स्टैंडर्ड्स। तो यानी क्या उन्होंने कहा कि रेगुलेटर कंप्लायंसेस होने, लीगली आप जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा होशियारी होशियार रहना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि ये एआई का हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं और हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद है द इम्प्लीमेंटेशन चैट इम्प्लीमेंटिंग द चैट बॉट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो अब ये क्या होगा, अब चैट बॉट यानी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इम्प्लीमेंट कैसे कैसे करें हम लोग, है ना, कैसे करें। तो ये क्या है, नंबर वन इज इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नंबर वन इज क्या है, नंबर वन है इंटीग्रेट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को क्या करने का पड़ेगा, इंटीग्रेट करना। कैरिकुलम अलाइन, ठीक है, कैरिकुलम अलाइनमेंट, एक्सप्लोर द स्ट्रेटेजी ऑफ द अलाइनमेंट चैट बोर्ड बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विद द कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव इंश्योर सीमलेस इंट्रीगेशन विद द एजुकेशनल फ्रेमवर्क। टीचर कोलाबोरेशन, हाईलाइट द कोलाबरेटिव रोल ऑफ द एजुकेटर्स इन द लेवरेजिंग चैट बॉट टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द टीचिंग लर्निंग इम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर बोर्ड पार्टनरशिप। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्कस द टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड कंसिडरेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन चैट बॉट टेक्नोलॉजी इज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एड्रेसिंग इशू कंप्लेंस इन स्केबिलिटी। तो ये इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी क्या होनी, चैट बॉट डेवलप है कस्टमाइजेशन डिजाइनिंग एंड लर्निंग कन्वर्सेशन। तो जो भी हम कन्वर्सेशन करना है उसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, किस तरह का आंसर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें क्या गया, डेवलपमेंट ऑफ द कस्टमाइजेशन चैट बॉट, है ना। कंटेंट क्यूरेशन एंड अडोप्शन क्या होना चाहिए, एक्सप्लोर द मेथड ऑफ द क्यूरेटिंग एंड अडोप्टिंग द एजुकेशनल कंटेंट सुइट द चैट बॉट इंटरेक्शन इंश्योरिंग द डिलीवरी इन हाई क्वालिटी कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंट लर्निंग सोर्स। यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, है ना। इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन इन द चैटबॉट डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन द इंट्यूटिव इंटरफेसेस एंड सीमलेस इंटरेक्शन फॉर द स्टूडेंट, है ना। चैटबॉट डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं। द नंबर द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर एजुकेशन, तो ये क्या कर रहा है, हमें ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कर रहा है एजुकेटर्स को, टीचर्स को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहा है ना। हम लोग जो सोच नहीं सकते, हम लोग समझ नहीं सकते, वो चीज़ को हमें एडवाइस करता है, पेडोगोजिकल गाइडेंस दे रहा है, ना क्या कर रहा है, प्रोवाइड द एजुकेटर विद द पेडोगोजिकल सपोर्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिकल टू लेवरेजिंग द चैट बॉट क्रिएटिंग इन रीचिंग द इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंस अलाइन विद द एजुकेशन गोल, ठीक है। एड्रेसिंग एजुकेटर कंसर्न, एड्रेस कॉमन कंसर्न एंड चैलेंजेस फेस बाय द एजुकेटर्स इन अडॉप्टिंग चैटबॉट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग द सॉल्यूशंस इनसाइड द फैसिलिटी स्मूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें कर रहा है। और दूसरी चीज इवेल्यूटिंग द चैटबॉट इफेक्टिवनेस, क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या क्रांति आ रही है, लर्निंग एनालिटिकल एंड असेसमेंट क्या कर देता है, हमें बहुत ज़्यादा एनालाइज हमारे किसी भी लर्निंग को एनालाइज कर देता है और उसको उसका असेसमेंट भी कर देता है। फीडबैक एंड इटरेटिव इम्प्रूवमेंट, तो ये क्या कर देता है, हम लोगों को फीडबैक प्रोवाइड कर देता है, उससे क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव द आवर सेल्फ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हम किस तरह से उसको उसके एग्जाम्स को असेस करें ताकि उसको हम अच्छे से अच्छे नंबर्स दे सके, या कोई भी जो भी मतलब उसको उसकी खामियां उसकी कमियों को हम समझ सकें। इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जो 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 मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उन पे हमेशा क्या करता है, इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा
हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या है इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें स्टूडेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, इससे हमें क्या, इससे हमें मिलता है कि भी जिस तरह से इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। और अदर अनदर वन इज, अनदर वन क्या है, अनदर वन इज है क्या है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इनहेंसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम, कि चैट जीपीटी से हम किस तरह से किसी भी स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट कर सकते हैं, उसको व्यस्त कर सकते हैं, उसको उसमें बिजी कर सकते हैं, और उससे हम किस तरह से आउटकम्स यानी उसका प्रोडक्शन हो सकता है, यानी किस तरह से वो सीख सकता है इन सारी चीजों से, ठीक है ना। तो पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी, ठीक है, अडेप्टिव लर्निंग पैथ है, कॉग्निटिव सपोर्ट एंड गाइडेंस, स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो लेकिन आप समझ लिए, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चैटबॉट के जरिए सीख सकते हैं, ठीक है ना। इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, गेमिफाइड लर्निंग एक्टिविटीज, कोलोबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल टाइम लर्निंग असिस्टेंट, है ना। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। गेमिफाइड के बारे में कल हमने जाना, कोलोबरेशन कोलोबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी हमने जाना, रियल टाइम लर्निंग असिस्टेंट्स के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। इसलिए हम लोग इस पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल पर देंगे कि किस तरह से हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो मोस्टली हम लोग आपके समझ आई गई होंगी, हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, है ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए है कि किस तरह से चैट बॉट काम करता है, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अनदर वन इज, और दूसरा क्या है, फ्यूचर ऑफ द चैटबॉट बेस्ड लर्निंग, क्या फ्यूचर है चैटबॉट लर्निंग का, इमर्जिंग द ट्रेंड एंड इनोवेशन। तो ये क्या कर देगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करेगा, है ना, ट्रेंड चेंज कर देगा एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है ना। डिस्कस द इवॉल्विंग द लैंडस्केप ऑफ द चैट बॉट टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन, ना हाईलाइटिंग इमर्जिंग द ट्रेंड्स एंड इनोवेशन दैट विल बी शेप द फ्यूचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एंड फीडबैक, शेयर इंसाइट फ्रॉम द स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस विद द चैटबॉट बेस्ड लर्निंग, कैप्चरिंग देयर प्रोस्पेक्टिव एंड फीडबैक ऑन द इम्पैक्ट। और क्या करेगा, इम्पावर इम्पावर क्या कर इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, है ना, नेक्स्ट जनरेशन क्या कर देगा, इम्पावर, इम्फोसाइज द रोल ऑफ द चैटबॉट बेस्ड लर्निंग इन द इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द लर्नर, फोस्टरिंग द कल्चर इनोवेशन ऑफ द पर्सनलाइज ठीक है ना, फ्यूचर ऑफ चैटबॉट ये होने वाला है। अब अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला हमने बहुत जल्दी 10-15 मिनट में ही खत्म कर दिया, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है कंक्लूजन, एआई पावर्ड चैटबॉट्स ऑफर द पर्सनलाइज लर्निंग 24/7 सपोर्ट, इंगेजिंग एक्टिविटीज इन एजुकेशन, दे कैन इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक एंड बूस्ट मोटिवेशन, व्हाट एथिकल कंसिडरेशंस लाइक द डाटा प्राइवेसी आर क्रूशियल, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर कोलैबोरेशंस, टेक्निकल कंसिडरेशंस एंड यूजर फ्रेंडली डिजाइन, चैटबॉट कैन पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी, ऑफर कॉग्निटिव सपोर्ट एंड एम्पावर स्टूडेंट्स, मेकिंग लर्निंग इंगेजिंग एंड सपोर्टिव इज द फ्यूचर अनफोल्ड, चैटबॉट्स होल्ड द पोटेंशियल टू द पावर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द लर्नर थ्रू द पर्सनलाइज एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली एक चैटबॉट क्या है, चैट जीपीटी, चैटबॉट, चैटबॉट मतलब चैट बातचीत करने वाली एक एक रिबोट, जो जो रोबोट होता है ना, वो रोबोट की शक्ल में एक चैट बॉट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, चैट बॉट है। तो चैट बॉट क्या है, चैट बॉट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग में भी बहुत जरूरी है।
अब चैट बॉट का क्या कमाल है, इससे पहले भी हम आपको प्रैक्टिकल करा चुके हैं, पर आज भी हम लोग जो प्रैक्टिकल कराना जा रहे हैं, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, तो बेसिकली हम इस पर फोकस करेंगे कि रिसर्च में इसका क्या मतलब क्या क्या फायदा हो रहा है, कैसे चैटबॉट काम कर रहा है रिसर्च के लिए, कैसे जो एकेडमिक रिसर्चर है वो कैसे हाउ दे आर यूजिंग द चैटबॉट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिसर्च, है ना। टेक्नोलॉजिकल अगर वो जानते हैं तो किस तरह से वो इस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी रिसर्च को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी इनोवेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा अच्छा क्या रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं, है ना। वो सारी रिसर्च के बारे में सारी सारी मेथडोलॉजी को जान रहे हैं, उसकी आउटलाइन को जान रहे हैं, उसके गैप को जान रहे हैं, डाटा एनालिसिस को भी जान रहे हैं, ये सारी चीजों को हम वी कैन अंडरस्टैंड किसके थ्रू, हम वी कैन अंडरस्टैंड बाय द चैट जीपीटी बोल द चैट बॉट। चैट बॉट के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है ना, और बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं दो एआई टूल्स हम डिस्कस करेंगे आज, और ये दो एआई टूल्स हैं, दे विल हम लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इन दो टूल्स का यूज करके वी कैन इम्प्रूव आवर रिसर्च, और हम अपनी रिसर्च को कितना क्रिएटिव और कितना मॉडिफाइड बना सकते हैं। तो इन दोनों चीजों में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में, फिर उसके बाद में बिंग एआई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल को पढ़ाने में कम टाइम लिया, क्योंकि हम आज थोड़ा सा दो हमारे पास टूल है और दो टूल को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एआई टूल्स क्या जानेंगे, एआई टूल्स किसके बारे में जानेंगे, हम लोग जानेंगे एआई टूल्स चैट जीपीटी के बारे में, जो चैटबॉट है। चैटबॉट कौन है, चैट जीपीटी है, ठीक है ना। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल हमने जो शुरू में डिस्कस किया हमने कहा कि ये हम तो क्या करेंगे, हम तो आज रिसर्च इंसाइट्स पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग रिसर्च में इसको इसको इससे मतलब फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह के हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अपने टॉपिक जरा लिख के दीजिए मुझे, कुछ लोग अपने टॉपिक जिसपे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, जिसपे पेपर लिख सकते हैं, जिसपे बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो आप अपना टॉपिक मुझे हमें यहाँ प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज हमारे पास टॉपिक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपके आपके खुद के टॉपिक पर कुछ चीज़ को रिसर्च कराएं, ताकि आप अच्छे से समझ सके, है ना। तो कोई टॉपिक आया है, समवन सेंड टू मी, क्या है, एआई टूल्स यूज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सनी राय ने लिखा है कि सर एआई यूज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा तो ठीक है सर, ये हम लोग करते हैं, क्या है ये है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने कहा कि भी ये जो हमारे पास टॉपिक है एआई टूल्स यूज इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हम इस पर क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिसर्च ऑन दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इससे पूछ सकते हैं चैट जीपीटी, कैन यू कैन यू नहीं अब ये कैन यू क्या आपके प्रोवाइड मी सब इनोवेटिव आइडियाज ऑन टूल्स, एआई टूल्स, ठीक है ना, किसके लिए। अब हमने कहा कि भाई कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमें प्रोवाइड कराइए, प्रोवाइड मी द सम इनोवेटिव आइडियाज ऑन एआई टूल्स यूज एंड सॉफ्टवेयर वेयर, ये अगर प्रोवाइड मी सम इनोवेटिव आइडियाज फॉर रिसर्च रिसर्च टॉपिक, कौन सा रिसर्च टॉपिक है, हमारा रिसर्च टॉपिक है एआई टूल्स यूज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है ना।
अब ये क्या कर देगा, अब ये हमें प्रोवाइड कर देगा, क्या प्रोवाइड कर देगा, अब उसने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, सारे टॉपिक्स हमें प्रोवाइड कर दिए कि ये जो टॉपिक्स हैं है ना, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग इनोवेटिव रिसर्च को है ना आइडियाज आइडियाज प्रोवाइड कर दिए है ना, जैसे डायनेमिक टेस्ट केस जनरेशन विद द री इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट लर्निंग, एक्सप्लोर द यूज ऑफ द री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम टू डायनेमिकली जनरेट टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड चेंजेस, दिस कुड एडॉप्टिवली क्रिएट टेस्ट सिनेरियो दैट फोकस द क्रिटिकल एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग पार्ट एंड कोड, ठीक है ना। तो सेल्फ हीलिंग टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर दिया, AI पावर है ना एनोमी डिटेंशन टेस्ट डाटा के लिए बता दिया हमें आइडिया, मतलब उसने हमें हमें कितने हमें विद इन द सेकेंड हमें 8 जो आइडियाज, तो इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड कर दिए, और उन्होंने कहा यू कैन डू द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल तो अब हमने कहा कि ये चलो ठीक है, ये हमें समझ आ गया, लेकिन हम इसमें से फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस फॉर द टेस्ट केस जनरेशन, ठीक है ना, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर द टेस्ट इन्वायरमेंट, AI बेस्ड टेस्ट प्रायोरिटाइजेशंस और ह्यूमन इन द लैब ऑफ द टेस्टिंग, ठीक है ना। तो हमने कोई एक हमने इसमें से कोई एक टॉपिक हमने हमने चूज कर लिया कि भाई ये अपने आइडियाज दिए, सडनली हियर आर सम इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज रिलेटेड टू AI टूल्स यूज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है ना। तो उन्होंने दिया, लेकिन अब हमने कहा कि ठीक है जो AI टूल्स यूज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, अब हमने उससे पूछा तो उसने हमें आइडियाज तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आइडिया के प्रोवाइड करने के साथ साथ हम उससे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि अब हमने पूछा काइंडली आई वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, कैन यू गिव मी आउट लाइन, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ठीक है हम तो ये करना चाहते हैं कि तो अब हमें क्या कर लोगे, क्या हमें मैं आप कुछ इसमें कुछ आउटलाइन हमें प्रोवाइड कर दोगे, कुछ आउटलाइन बता दोगे, तो क्या कह रहा है वो। उसने क्या कर दिया, हमें एक आउटलाइन बता दी कि हमें बता दिया कि यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ठीक है ये तो आपने प्रोवाइड करा दिया, अब ये प्रोवाइड करा दिया हमें आउटलाइन, तो अब हम उससे कहेंगे कि हाउ कैन काइंडली सजेस्ट मी सम पॉइंट्स पॉइंट्स हाउ कैन आई डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। उसके अलावा ऑल्सो प्रोवाइड मी डिफरेंट डिफरेंट मेथड मेथड ऑफ डाटा ठीक है ना। तो अब हमने पूछ लिया कि ठीक है अब इसमें तो हमें काइंडली सजेस्ट मी सम टॉप सम पॉइंट्स, हाउ कैन आई डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट मेथड ऑफ द डाटा एनालिसिस, क्या
तो अब हमें क्या कर देगा ये देखा, हमें पूरा पूरा सब कुछ देखिए, हमने ये जो आउटलाइन है ना, हमारी रिसर्च की आउटलाइन हो गई ना, ये इस रिसर्च की आउटलाइन जिन लोगों ने रिसर्च किया वो सब लोग जानते हैं ना, वो सारी बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है ना, रिसर्च मेथोलॉजी है ना, और इम्प्लीमेंटेशन है, रिजल्ट एनालिसिस है ना, प्रेजेंटेशन रिजल्ट, क्वालिटेटिव रिजल्ट, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्शन, ये सारे सारे क्या है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड, एवोल्यूशन तो AI ड्राइविंग सारी चीजें, तो ये क्या कर देगा हमें, अब हम लोग जो पूछ रहे हैं हमें बता देगा, देखो रिसर्च मेथोलॉजी, द डिफाइन रिसर्च मेथोलॉजी, तो हमें क्या कर दिया, हमें देखिए सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, हमें बता के दे दिया, सर क्या इसमें कोई स्पेसिफिक जर्नल के अकॉर्डिंग भी आउटलाइन क्रिएट करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं कि नहीं, अगर आप जर्नल का नाम देंगे तो वी कैन डू इट, है ना, और ठीक है ना, तो अब ये कर दिया, ठीक है ना, अब हमने लिखा कि भाई ठीक है आप ये बता दिए रिसर्च मेथड, डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो उसने डिफाइन रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू, सेलेक्ट रिसर्च मेथड, डाटा कलेक्शन, AI मॉडल सिलेक्शन, इंटीग्रेशन विद द टेस्टिंग टूल्स, ठीक है ना, एथिकल कंसिडरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, केस स्टडी, ठीक है, डाटा एनालिसिस मेथड, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, विजुअलाइजेशंस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट एंड वैलिडेशन ऑफ द रोबोटनेस टेस्टिंग, ठीक है, रोबोटनेस टेस्टिंग, ठीक है ना, सारी चीज उसने क्या कर दी हमें प्रोवाइड कर दी। अब हमने कहा कि ठीक है आपने ये तो सही है, तो हमने कहा कि राइट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉप टॉपिक विथ बैच, ठीक है ना, अब हमने कहा कि भाई और राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द दिस टॉपिक विद द बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो हमने कहा कि भाई आप इसके जो बैकग्राउंड के साथ इसका एक टॉपिक लिख दीजिए, ठीक है, तो अब वो क्या कर देगा देखिए, अब आपको क्या कर देगा, अब हमने कहा बैकग्राउंड विद द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एंड 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 फाइंड आउट सम रिसर्च, ऑलरेडी ठीक है ना, तो पहले से जो कंप्लीट हो चुकी है कुछ रिसर्च बता दो और बैकग्राउंड बता दो और टॉपिक का इंट्रोडक्शन रख दो इन 1000 वर्ड्स, तो ये क्या कर देगा आपको पूरा इंट्रोडक्शन लिख के बता देगा, आपको पूरा बैकग्राउंड बता देगा, ठीक है ना, आपको रिसर्च कंप्लीटेड बता देगा, उसने बता दिया कि न्यूमेरस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशंस ऑफ AI सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल इनसाइट टू द फील्ड ऑफ द फील्ड, है ना, ए नॉट वर्थ द रिसर्च एफर्ट बाय द डैनल, इतने इतना इन्वेस्टिगेटेड द यूज ऑफ द मशीन लर्निंग फॉर द प्रेडिक्टिंग हाई रिस्क मॉड्यूल्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, देयर फाइंडिंग्स डेमोन्स्ट्रेटेड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल इन आइडेंटिफाई द मॉडल्स प्रॉन टू डिटेक्ट, ठीक है, तो उन्होंने क्या बता दिया ये रिसर्च जो कंप्लीट हो, एक रिसर्च आया 2022 में, फोकस ऑन द इंटीग्रेट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक इन द टेस्ट के जनरेशन, ठीक है ना, और तीसरी 2019 में, एक बहुत सारी हो जाएगा, ठीक है ना, व्हाइल दीज स्टडीज प्रोवाइड ए ग्लिम्प्स इनटू द पोटेंशियल्स ऑफ AI इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देयर रिमेन ए नीड फॉर द फर्दर रिसर्च टू एड्रेस द फॉलोइंग एस्पेक्ट, ठीक है ना, तो अब क्या इंट्रीगेशन चैलेंजेस,
ठीक है ना, एक्सप्लेनेबिलिटी है ना, क्रॉस डोमेन जनरलाइजेशंस, तो ये सारी चीजें उसने दे दिया। ठीक है ना, अब हमने इंट्रोडक्शन लगवा दिया। तो अब इंट्रोडक्शन लगवाने के बाद हमने कहा कि आप इसका कैन यू, अब जितने भी अगर हम वर्ड में चाहते हैं, जितने भी हम चीज में चाहते हो, ठीक है, काइंडली प्रोवाइड मी, लिटरेचर, एंड रेफरेंसिंग ऑफ ठीक है ना। तो अब हमने लगा, तो अब ये पूछ लिया भाई, कोई रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपके पास रेफरेंसेस तो होना चाहिए। अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो फिर क्या है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया, रिसर्च गैप इन फ्यूचर डायरेक्शन बता दिया है ना, सारे रेफरेंसेस बता दिया आपको, इंडिकेशन चैलेंजेस का ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये सारे रेफरेंसेस आपको बता दिए गए। ठीक है ना, इसके अलावा आप पूछते हैं कि ठीक है ये तो सही है, तो अब हमने पूछा कैन यू प्रोवाइड मी, या कैन यू प्रोवाइड मी, जो भी आपका प्रॉम्प्ट आज, जो भी आप समझ, प्रोवाइड मी रिसर्च डिजाइन, ठीक है ना, रिसर्च डिजाइन, ठीक है ना, रिसर्च डिजाइन ऑन दिस टॉपिक फॉर माई पीएचडी। ठीक है ना, अब रिसर्च डिजाइन है तो आपको रिसर्च डिजाइन भी बता देगा, ये पूरा रिसर्च डिजाइन बता देगा आपको। ठीक है ना, तो आपको पूरा रिसर्च डिजाइन, आपको वो पूरा रिसर्च डिजाइन बता देगा कि किस तरह से आपको रिसर्च को डिजाइन करना है। ठीक है ना, तो क्या बताया उसने, ठीक है ना, तो अब उसने क्या बता दिया, अब रिसर्च डिजाइन क्या बता दिया, रिसर्च डिजाइन बता दिया आपको, रिसर्च अप्रोच एट रिसर्च टाइप, क्वांटिटेटिव फेस, ऑब्जेक्टिव टू क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस। ठीक है, मेथड बता दिया, मेथड क्या होगा, सर्वे मेथड होगा और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स होगा, ये मेथड हो गया। ठीक है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फेस में, ठीक है, क्वालिटेटिव फेस में बता दिया, क्वालिटेटिव फेस में बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्लोर दी, ठीक है ना, टू एक्सप्लोर द चैलेंज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एआई टूल्स। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद उसने मेथड बता दिया, और क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आ रहा है, इंटरव्यूज आ रहे हैं और फोकस ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है ना, सैम्पलिंग बता दिया, अब सैम्पलिंग में क्या है, क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग, इसमें पॉपुलेशंस बता दिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल इंक्लूडिंग टेस्टर डेवलपर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, सैम्पलिंग टेक्निक बता दी, ठीक है ना, और क्वालिटी सैम्पलिंग में बता दिया पॉपुलेशंस एंड सैम्पलिंग टेक्निक, ये बता दी। ठीक है, ठीक है, डाटा कलेक्शन क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, सर्वे, ठीक है ना, बता दिया, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू एंड फोकसेस, डाटा एनालिसिस बता दिया, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, यूटिलाइज द स्टैटिस्टिकल टूल्स एसपीएसएस टू एनालाइज द सर्वे रेस्पॉन्सेस टू क्वालिफाई और परसीव इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स। ठीक है, एम्प्लॉय द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एंड इंटरफेरेंशियल स्टैटिक, ठीक है, इसके बारे में भी बता दिया, और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में भी उसने बता दिया कि कौन सा आपको यूज सही यूज क्या क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूज द क्वालिटी आई ए द एन विवो और ऑर्गेनाइज कैटेगरी क्वालिटेटिव डाटा, एथिकल कंसिडरेशन, इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी,
ना टाइमलाइन, क्रिएट द डिटेल टाइमलाइन, लिमिटेशंस बता दिया आपको, एक्नॉलेज द पोटेंशियल ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी सच एज द सैम्पल साइज कॉन्स्टेंट बाइज्ड बाइज्ड और द एक्सटर्नल फैक्टर, कंक्लूजन बता दिया आपको, ठीक है ना, कंक्लूजन भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या कर दिया, एक रिसर्च डिजाइन भी बता दिए आपको, आउटलाइन भी बता दिए सारी चीज। तो अब हमने कहा कि ठीक है, अब ये तो सारी चीजें बता दी, तो अब चैट जीपीटी आप ये बताइए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई 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 डिड आई सेलेक्ट दिस वन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि भाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, दिस टॉपिक, व्हाई डिड आई सेलेक्ट सेलेक्ट दिस वन, है ना। तो अब उन्होंने और इसमें, ठीक है ना, उसके अलावा आपने कहा कि आप इसमें क्या कीजिए, तो चलो ये इतनी कर लेते ना। अब ये क्या कह रहा है आपको, जो क्या इम्पोर्टेंस बता देगा, क्या इम्पोर्टेंस बता दिया, इसलिए आप इसका इसको रिसर्च करें क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज द पोटेंशियल टू द रेवोल्यूशनाइज ट्रेडिशनल टेस्टिंग प्रैक्टिस, सब बता दिया उसने। बिफोर द डाइविंग इनटू द रिसर्च डिजाइन, इट इज क्रूशियल टू द रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई यू सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ एआई टूल्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस। आर्टिकुलेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च टॉपिक विल नॉट ओनली प्रोवाइड द क्लैरिटी टू द योर सेल्फ बट विल ऑल्सो हेल्प कम्युनिकेट द रिलेवेंस ऑफ योर वर्क टू अदर्स। हेयर आर द सम जनरल पॉइंट्स दैट माइट अलाइन विथ योर मोटिवेशंस फॉर द चूजिंग दिस टॉपिक। तो वो सारी चीजें टॉपिक के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब हमने चलो ये ठीक है, ये भी जान लिया, ठीक है। तो हम इससे कह रहे हैं कि ठीक है, अब हमें क्या, प्रोवाइड मी, क्या प्रोवाइड करा, एंड एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, किसके, अब हमने पहले बात इंट्रो, अब इंक्लूडिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पूछ लिया, बैकग्राउंड हमने वहां भी पूछा था, यहाँ भी हम बैकग्राउंड पूछ ले रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड है। अब हमने, अब क्या टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना, रिसर्च प्रॉब्लम्स भी पूछ ली, और क्या पूछ लिया, एंड गैप, एंड क्या पूछ लिया, एंड गैप इन एग्जिस्टिंग, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है ना। अब हमने कितनी सारी चीजें पूछ ली यहाँ पर, हमने इंट्रोडक्शन तो पूछे पा, लेकिन हमने कहा कि इसमें रिसर्च गैप भी बता दो, ठीक है ना, और रिसर्च प्रॉब्लम्स भी डिफाइन कर दो। तो रिसर्च प्रॉब्लम भी बता देगा आपको, गैप भी बता देगा, बैकग्राउंड भी देगा, एक इंट्रोडक्शन और लिख देगा आपके लिए, है ना, बैकग्राउंड पूरा बता दिया, रिसर्च प्रॉब्लम बता दी कि रिसर्च प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ठीक है ना, और गैप इन एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर भी बता दिया। अब क्या है, गैप इन एग्जिस्टेंट लिटरेचर, व्हाइल द नोटेबल स्टडीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ए कॉम्प्रेहेंसिव सिंथेसिस इज लैकिंग। करेंटली लिटरेचर टेंड ऑफ द फ्रेगमेंटेड विद द स्टूडियो स्टडीज ऑफ इन कंसेंट्रिंग ऑन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ एआई ड्राइविंग टेस्टिंग, ए होलिस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंट्रीगेशन चैलेंजेस एक्सप्लेनेबिलिटी कंसर्न एंड क्रोज ऑफ द डोमेन अडेप्टेबिलिटी इन कंस एंड कंसपाइसिस एबसेंट। दिस रिसर्च एम टू द ब्रिज इन द गैप बाई द प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ द दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट।
contributing to the fundamental knowledge needed for the effective integrations of AI tools in contemporary software testing practice. तो आपको ये सारी चीजें बता दी उसने, है ना। आप ये सारी चीजें करने में आप इमेजिन करो कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के दौरान ड्यूरिंग द रिसर्च टाइम वेन यू यू नीड द सर्च टाइप ऑफ द थिंग्स हाउ कैन फाइंड इट इन इट इज इन इजी वे, है ना। किस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से इन सारे सोर्सेस को आप पा सकते हो, और मैं तो कहता हूँ कि आप कभी नहीं पा सकते, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप अपने कुछ और टॉपिक हमें लिख के दीजिए ताकि हम दूसरे टॉपिक पर भी कुछ डिस्कशन कर सके, कुछ बता सके, ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा टेक्निकली जो टॉपिक है ना, तो इसमें शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो आप कोई आप लोग में से कोई दूसरा कोई एक टॉपिक भी हमें लिख के बता सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि हम उस पर टोटली प्रैक्टिकल कर सके, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हो गई, तो हमने इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया, हमने सारी सारी चीज पूछ ली, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है, ये जो आप करा रहे हो तो इट इज करेक्ट रिसर्च, इट इज correct or not, kindly provide me references kindly provide me some new references on this topic and I light ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, अब आपको क्या कर देगा ये, मैं नहीं मान रहा ये सही है। अब आपने कहा कि आप एक्सप्लेन करो, तो ये क्या कर दिया है, पूरा उसने एक्सप्लेन कर दिया बैकग्राउंड के बारे में, इंटीग्रेशन चैलेंजेस प्रॉब्लम्स के बारे में, एक्सप्लेनेटरी ट्रस्ट के बारे में, ठीक है, क्रॉस डेमेज जनरेशन जनरलाइजेशन के बारे में, गैप एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में, ठीक है, न्यू रेफरेंसेस के बारे में, न्यू रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड कर दिया, हाईलाइट समरी क्या कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, द इंट्रोडक्शंस आउटलाइन ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ द एआई इन द रीशेपिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इज एम्फसाइज द चैलेंजेस इन द सीमलेसली इंटीग्रेशंस एआई टूल्स the need for the explainability and trust in AI driven testing results and the gap is the understanding the generalizability of the AI model across the diverse software project. The research aims to the address these gaps comprehensively, providing the essential insights for the effective integrations of AI tools into the contemporary software testing practice, है ना। तो सारी चीज क्या कर दिया, सारी चीज को आपको प्रोवाइड कर दिया, सारी चीज आपको बता दी है। अब किसी का आया, कैन आई शेयर वन मोर आइडिया, हाँ यस 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 सनी, कैन आई शेयर वन मोर आइडिया, यस 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 तहजीब वाला रिसर्च आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शंस, ओके तहजीब मैम, यस सनी यू कैन डू। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने इस चीज को समझ लिया, अब हमने इससे पूछा कि ठीक है आपने ये सारी चीजें तो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करा दी, तो अब हमें ये प्रोवाइड कर दिए, तो यानी चैट जीपीटी महोदय आप हमें बताइए, सजेस्ट मी
सजेस्ट मी ए स्वे टेबल थ्योरी फॉर दिस रिसर्च रे, ठीक है, एंड प्रोवाइड मी सम डेफिनेशंस, ठीक है ना, विद, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, विथ ऑथर के, आपने कहा कि स्वेटेबल थ्योरी बताइए इसकी, तो स्वेटेबल थ्योरी बता देगा आपको और कुछ डेफिनेशंस विद ऑथर प्रोवाइड कर देगा आपको। हाँ ठीक है, सारी चीजें बता रही है ना, बता रहा आपको, ठीक है ना, आपको क्या बता दिया। और अगर आप और चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं, तो और आपको मिलेगा। द टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड, ऑथर्स एंड की रेफरेंसेस बता दिया उसने, प्राइमरी रेफरेंसेस बता दिए, ठीक है ना, टॉम ये वाली थ्योरी बता दी, सारी थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि ठीक है, इसको जो आपने रिसर्च में बता दिया, हम बताइए, आप हमें ये सजेस्ट कर दिए, सजेस्ट मी सम मोस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट स्केल फॉर दिस, ठीक है ना। वो क्या कर दिया आपको, एप्रोप्रिएट क्या कर देगा, स्केल्स आपको बता दे, अगर आप और चाह रहे हैं, और स्किल चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, तो कर दो, आपको और बता देगा, आप उससे पूछ सकते हैं, और बताइए सर, हम आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अब हम आप चाह रहे हैं कि मुझे इससे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस कंटेंट, प्रोवाइड मी आजाद, ठीक है, क्या आपको क्या पूरा और कुछ बता देगा आप, और कुछ ठीक है ना। ये सारी चीज आ गई, अब वो, अब ये चीज आ गई, अब हमने पूछा कि आप जो हमने ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या इस रिसर्च पर हम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम उससे पूछ सकते हैं, तो कैन यू प्रोवाइड मी हाउ कैन कंडक्ट दिस स्टडी यूजिंग, यूजिंग क्या है, क्वालिटेटिव ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, रिसर्च एंड व्हाट क्वेश्चंस शुड आई आस्क, एंड हाउ कैन आई फाइंड रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द
transform nations and innovations using ठीक है। तो अब हमने ये क्वेश्चंस पूछ लिया, क्या कर लिया, क्वालिटेटिव हमने ये वाला बस प्रॉम्प्ट डाला, वो दूसरा क्वेश्चन ठीक है। कैन यू प्रोवाइड मीन हाउ कैन आई कंडक्ट दिस स्टडी यूजिंग द क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक है ना, या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडी, तो ये बता देगा आपको किस तरह से क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं ठीक है ना। तो ये आपको बता देगा पूरा। डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस, सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट, एथिकल कंसिडरेशंस, डाटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप ठीक है, डाटा एनालिसिस, थेमेटिक एनालिसिस, कंटेंट पूरा बता दे कि हम आपको कैसे कर सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट द क्वेश्चन शुड आई आस्क ना, हाउ कैन आई फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशंस यूजिंग क्वालिटेटिव ठीक है ना। तो जो भी आप चाहें वो भी हम कर सकते हैं, जो भी जो आप चाहें वो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके दिमाग में है सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई चीज़ नहीं है इसमें ठीक है। तो ये क्या हो गया, चैट जीपीटी का एक चैट बॉट है, चैट बॉट आपको क्या कर सकता है, सब कुछ बना कर दे सकता है, सब कुछ मतलब बता सकता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन आयर चाह रहे हैं, क्वेश्चन आयर बनवाना चाह रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू जनरेट द क्वेश्चन आयर, तो आप क्या कर सकते हैं, कैन यू जनरेट क्वेश्चन क्वेश्चन आयर फॉर माई रिसर्च ठीक है ना। तो क्या कर देगा वो आपको, एक आपको क्वेश्चन आंसर क्रिएट करके आपको क्या कर देगा, एक आपको क्वेश्चन आंसर ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर की स्पेलिंग आ गई, क्वेश्चन आंसर बना गए, कैन यू जनरेट द क्वेश्चन आंसर फॉर द माई रिसर्च, तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाकर दे देगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आंसर भी बना के दे देगा आपको, सारी चीज़ को बना के दे देगा, सब कुछ जो भी आप चाह रहे हैं ना, जो भी आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, जो आप सोच नहीं सकते, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू गेट ए आइडियाज, इससे यहाँ से आइडियाज ले सकते हो, उन आइडियाज को क्या कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है ना। आप तो आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक है तहजीब मैम का, तहजीब मैम ने कहा है कि रिसर्च आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शंस, अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखना है, ट्रैक वो करके देखा, एक्सप्लोरिंग एआई ड्राइविंग अप्रोच फॉर द जनरेटिंग टेस्ट केसेस टेलर द ऑटोनोमस सिस्टम, अच्छा ये है सर चैट जीपीटी में जो इसमें रिसर्च अभी हम करते हैं सनी आपका ना, इसके बाद मैम का देखना ठीक है। सर चैट जीपीटी में जो इसने रिसर्च डिजाइन किया है और उसमें जो हेडिंग दी है, मैं डायरेक्टली सनी आप पूछिए, मतलब थोड़ा अपना माइक ऑन करके पूछिए एक्चुअली जी, थोड़ा सा क्वेश्चन आप थोड़ा मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पूछ रहे हैं आप।
डायरेक्टली उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग भी ये हमारी हेल्प कर सकता है लिखने में, अगर हाँ तो आप फिर कोई एग्जाम्पल देकर हमको क्लियर। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सनी तुम्हारा एक्चुअली योर क्वेश्चंस, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए मुझे ना, ओरली बता दीजिए मुझे, कोई बात नहीं। अब गुड इवनिंग हमने सर। कहा कि ठीक, हाँ सर ऑडिबल है सर? यस यस ये जो अभी आपने रिसर्च टॉपिक अभी किया ना, डिजाइन जो चैट जीपीटी ने दिया है ना डिजाइन, एक बार ही जाएंगे आप प्लीज वापिस? जी जी बताइए। हाँ हाँ जी सर, इसमें जो हेडिंग्स आ रही है ना सर, कि लाइक कोई एक आधा एग्जांपल मिल जाएगा मुझे तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप एक बार इसका रिसर्च डिजाइन पे जाएंगे सर? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइडिटिंग, ये आ गया आपका रिसर्च डिजाइन आ गया है। प्लीज। तो सर ये जो इसका नीचे जाएंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे क्वांटिटेटिव फेज, इसका सेकंड पॉइंट देखो अगर फर्स्ट है जो क्वांटिटेटिव फेज। क्वांटिटी फेज जी यस सर, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक इसने ऑब्जेक्टिव लिख दिया ना टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, ये चीजें या मेथड जो इंटरव्यूज है, कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यूज विद की स्टेक होल्डर्स, ये जो हमें ये भी दे सकता है चैट जीपीटी की कहाँ से इंटरव्यू, कौन से क्वेश्चन राइज करने, कौन से टेस्टिंग केसेस बनाने हैं, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं हम इससे बिल्कुल पूछ किसके सकते मतलब? हैं आप, सारी चीज पूछ सकते हैं जो आपके मन में है। कि फॉर एग्जांपल अब क्वालिटेटिव फेस में अगर आप चाह रहे हैं कि अब हमने कहा कि ठीक है, तो ये देखो कैसे क्या करते हैं, हमने वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने कहा कि कैन यू फ्रेम द सम क्वेश्चंस, तो ये लो है ना। यस सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब हम मैडम का एक एक है, ये जो है मैडम है, मैडम मैडम क्या मैडम तहजीब मैडम, तो तहजीब मैडम कह रही है कि रिसर्च आर्टिकल ऑन द ड्रग एडिक्शन पे एक रिसर्च आर्टिकल लिखी है। ठीक है ना, ठीक है लिखते हैं आप, बिल्कुल लिखेंगे। और रिसर्च आर्टिकल के लिए तो सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिसर्च आर्टिकल के लिए अब हम उससे पूछेंगे कि कैन यू राइट रिसर्च आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शन। तो अब वो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, पूरा अब्स्ट्रैक्ट बता दिया उसने, अब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, बायोलॉजिकल फाउंडेशन बता दी, साइकोलॉजिकल फैक्टर बता दिया, सोशल डिटरमिनेशन बता दिया, सब चीज बता दिया, ठीक है कंक्लूजन भी बता दिया। अब आपने रिसर्च आर्टिकल लिख तो दिया इसने, लेकिन ये रिसर्च आर्टिकल लिखा कहाँ से, कैसे आया, कौन है, क्या है, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इससे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी रेफरेंसेस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपको रेफरेंसेस बता देगा आर्टिकल के, क्या क्या कर देगा, आर्टिकल के रेफरेंसेस बता देगा। कैन यू प्रोवाइड मी सम अदर रेफरेंसेस। आपको और रेफरेंसेस बता देगा आपको ना, है ना, कहाँ से लिया है, क्या लिया है, कैसे लिया है, क्या है आर्टिकल, ठीक है ना। अब हमने कहा कैन यू राइट दिस आर्टिकल इन
1000 या 2000 वर्ड्स, तो वो आपको 2000 वर्ड्स में लिख के दे देगा आर्टिकल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो वो आपको, ठीक है ना, देखा आपको हर उसके आगे आपको 200 400 500 वर्ड है, इतने वर्ड इतने वर्ड इतने वर्ड, ठीक है ना, सारे वर्ड्स के आपको ना काउंट करके बता दे रहा है सारी चीज़, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक अपने रिसर्च आर्टिकल्स को ना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो हमने अब इसके बाद हमने अब हमने कहा अगर ठीक है, रिपीट रिपीट दिस आंसर एंड बट क्या होगा, दिस टाइम गिव गिव मी, क्या कहा हम, क्या मांग रहे हैं उससे, सम सम साइटेशंस, ठीक है। फ्रॉम ठीक है, वही चीज लिख दी, सारा कुछ लिख दिया, लेकिन हमने कहा था कि हमें आप साइटेशंस बता, तो उसने सारे सारे साइटेशंस हमको इसमें कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, सारे साइटेशंस के बारे में उसने बता दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग चैट जीपीटी पर इस तरह का कोई भी रिसर्च का काम वी कैन डू वेरी इजी वे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एजुकेशन के लिए चैट बॉट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। तो हाजिरा मैम, अभी मैं जवाब दूंगा आपके इसका ना आंसर का, थोड़ी देर में जरा पे कम कर लूँ, टाइम हो रहा है ज़्यादा, है ना, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया चैट जीपीटी के बारे में, लेकिन अब हमारा जो दूसरा जो हमारा जो हमारा जो दूसरा टूल है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बिंग। क्या है, बिंग, बिंग मतलब बिंग भी एआई टूल है। ये किसका एआई टूल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल है, ठीक है ना। बिंग जिस तरह से चैट जीपीटी है उसी तरह से हम बिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिंग मतलब किसके साथ कोलाबरेट कर रहा है, को पायलट के साथ। को पायलट भी हमने रखा था, लेकिन हमने उसके साथ बिंग भी कर दिया, ठीक है ना। जब हम bing.com जब खोलेंगे, खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इस तरह के इंटरफेस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ईमेल आईडी से या मोबाइल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इंटरफेस क्या कह रहा है आपका, ठीक है ना। अब सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कर देगा आपको को पायलट पे चले जाना है। को पायलट क्या कर देगा, आपको इस तरह का एक इंटरफेस क्रिएट करके देगा, और इस इंटरफेस में आप क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज से पूछ सकते हैं। ये क्या करता है, ये इमेज को भी जनरेट करता, इमेज को भी डिजाइन कर देता है, सारी चीज कर देता है ना। है फॉर एग्जाम्पल, हमने इससे पूछा, हमने इससे कुछ रिसर्च के बारे में पूछा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पूछा, अब हमने कोई टॉपिक है आप लोगों के पास तो दीजिए, मैं टॉपिक पे करता हूँ, आर्टिकल हमने बता दिया, ठीक है ना।
कैन यू सजेस्ट मी सम टाइटल्स ऑन इसने सर इसके कोई कर दे प्लीज, अगर सर ऐसे कोई कर दे ठीक है। तो अब कैन यू सजेस्ट मी सब सम टाइटल ऑन, ठीक है ना, क्या है इस एआई ड्राइवन अप्रोच फॉर द जनरेटिंग टेस्ट केसेस टेलरिंग द ऑटोनोमस सिस्टम। तो वही क्या कर देगा, हमें क्या कर देगा, ये सारी चीजें को हमें जिस तरह से हमें चैट जीपीटी में। लेकिन इसकी खास बात देखिए, आप खास बात देखिए, खास बात क्या है इसकी, अभी तक पता चल जाएगा कि आपको ये सारे रेफरेंस देगा कि आपका जो मैटर है वो इसने कहां से लिया है, ठीक है ना। सारी चीज को आपको क्या कर देगा, आपको बता देगा कि जो आपने कंटेंट ये यहाँ पर आया है वो कंटेंट का रेफरेंस क्या है, वो कंटेंट कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस को ये क्या कर देता है, ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस को जनरेट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर द चैलेंजेस टेस्टिंग ऑटोमेटेड सिस्टम, बहुत क्वेश्चंस को अगर हमने कहा कि ये पूछना चाहते हैं कि ना वॉट आर द सम चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस बता देगा। मतलब जो भी आप पूछना चाहते हो, हमें टाइटल पूछना चाहते हो, जो सारी चीजें भी जो आप पूछना चाहते हो जिस तरह से हमने उससे पूछा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको क्या करके दे देगा, ये आपको एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा देखिए सिस्टमेटिक तरीके से आपको बना के दे देगा। बनाने के देने के बाद आपको उसमें रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कराएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। रेफरेंसेस हमने कहा कि कहाँ से ले गया है वो हमने अभी बताया नहीं, लेकिन अभी हम बताएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा कि इसको रेफरेंसेस जो बता रहा है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एआई टेक्नोलॉजी का एक इनोवेशन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, हाउ कैन इंश्योर, तो इसमें नहीं बताया क्या कि कहाँ से, लेकिन जो ऊपर वाला आर्टिकल से जिसमें हमने हमने जब पूछा अपना तो उसने सारा कुछ बता दिया, टैक्स एट रिसर्च गेट एंड एप्रिस इन आई ट्रांसजेंड ब्लॉग पर परसिफेंट डॉट कॉम, ये सारी चीजों से इसमें इन्होंने क्या किया है वो लिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीजें हम यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको हम किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल वर्ड में, पीडीएफ में, टेक्स्ट में, ठीक है ना। वर्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे बहुत इजीली तरीके से इसको किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर लेंगे हम लोग, वर्ड में भी करेंगे व्यू एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गई फाइल, ठीक है ना। अब वो पूछता है कहाँ पर ले जाना है आपको इसको एक्सपोर्ट करके, है ना। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये पिक्चर जनरेटर का भी काम करता है। तो पिक्चर जनरेटर का भी काम करता है, जस्ट मिनट अभी मैं आपको एक
ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको पूरा एक देखिए एक पीपीटी भी तैयार कर दिया। अब हमें सब पूछते हैं, कैन यू जनरेट पीपीटी विद इमेज। तो ये क्या कर रहा है, नहीं है, कह रहा है कि नहीं हम उसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये पीपीटी उसके उससे नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब हम क्या, अब हमने ना इससे पूछा, ठीक है ना, अब हमने इससे कोई पिक्चर बनवाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार पिक्चर बना। ए लेडी इज शॉपिंग शॉपिंग ए लेडी इज शॉपिंग इन एंड मिडीवल इंडिया Here is camels and horse। ठीक है ना, तो वहां पर कैमल एंड हॉर्स भी है और एक लेडी है, क्या कर रही है, ये देखो क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है, तो ये क्या कर देगा, आपको क्रिएट करके दे देगा एक फोटो को नहीं बल्कि एक इमेज को, आपको क्या कर देगा, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है ना, तो टाइम इसलिए क्योंकि आई हैव क्रिएटेड ए इमेज ऑफ द लेडी शॉपिंग द मिडिवल इंडिया कंप्लीट विद द कैमल एंड हॉर्स, आई होप इट इज कैप्चर टू एसेंशियल्स ऑफ सीन ऑफ द डिस्क्राइब। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने चार चार इमेज को क्रिएट करके दे दिया, ए लेडी शॉपिंग इन मिडिवल इंडिया विद ए कैमल एंड हॉर्स। ठीक है ना, देखिए ये दे दिया पूरा आपको, ये सारी सारी इमेज को, सारी इमेजों को दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, तो है ना, तो इसको थोड़ा सा अपलोड होने में ये हाई रेजोल्यूशन की होती है और इसमें कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड यार, है ना, देखिए कितना स्मार्ट सी फोटो बना के दे दी, है ना, जो आप कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा के रवीना ठीक है, तो अगर आपने कहा तो ये भी आपको बना के दे देगा, ये तो ग्राफिक का कमाल है ना, सारे ग्राफिक का कमाल है, पावर आई डेल 3 से पावर्ड है ये। ठीक है ना, तो ये भी चीज आपको बना के दे देगा, आई हैव क्रिएटेड इमेज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सर्ट ऑफ द एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित शॉपिंग इन द नोएडा मॉल, आई हैव टू यू फाइंड द कैप्चर इन द वाइब्रेंट ऑटोमेटिक ऑफ द शॉपिंग सीन, ओ ट्राई अनदर, लुक्स लाइक देयर आर द सम वर्ड्स दैट मे बी द ऑटोमेटिकली ब्लॉक एट दिस टाइम सम टाइम इवन सेव कंटेंट कैन यू ब्लॉक बाई द मिस्टेक कंटेंट पॉलिसी। अच्छा इन्होंने ये कहा कि जो ये जो ये ना एक्ट्रेस की बात आ रही है ना, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि भाई हम ऐसे नहीं दे सकते आपको किसी के भी। ठीक है ना, तो अब हम और कोई दूसरा भी जनरेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए पुलिस मैन स्टैंडिंग पुलिस लाइन।
ठीक है ना, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपके मन में, लिख दीजिए, आप बता दिए, सब बता देगा ये, सब दे देगा, सब कुछ दे देगा आपको, है ना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये ना, प्राइवेसी वाली जो प्रॉब्लम है, जो हमने एक्टर्स वाली किया तो ये वाला नहीं ले रहा है अभी, इसलिए थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। आई हैव क्रिएटेड द इमेज, बना दी, देखो, ए पुलिस मैन इज स्टैंडिंग विद द हॉर्स इन द पुलिस लाइन, ठीक है ना, पुलिस लाइन पर भी क्या किया है, किया गया। तो आप बहुत सारी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट सर्च कर सकते हो इससे, है ना। ठीक है, आ गया, नहीं आ गया ये तो, ये अगर आप कहते इंडियन है तो इंडियन में बता देता, लेकिन वो अब समझ नहीं रहा ना कहाँ करना है, उन्होंने तो बता दिया कि बनाना है बस, तो आपको बना दिया, ठीक है ना। आई विजिट आज, विजिट ताजमहल, आई विजिट, तो मैं जाता, फोटो होगा तभी तो ये बता पाएगा, लेकिन ये कुछ बता दे, बना देगा, ताजमहल बता देगा। ताजमहल को देखो कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे उस उसमें बनाता है, ये सब ये इमेजिनेटिव इमेजेस है, ठीक है, सारी क्या है, इमेजिनेटिव इमेजेस। इस विल टेक टाइम, क्योंकि फोटो जनरेट करता है ना ये, हाई रेजोल्यूशन से फोटो जनरेट करता है, तो इसीलिए हाँ, लो ये बना के दे दिया ताजमहल का आपने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द ताजमहल, हम पूछ ले व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, ठीक है ना, तो वो ताजमहल की हिस्ट्री बता देगा आपको, ठीक है ना। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, तो आपको ताजमहल की हिस्ट्री बता देगा, वो सारी चीज बता देगा, देखो ना क्या कर रहा है। द ताजमहल इज द मैग्निफिकेंट मुसलमान लोकेटेड इन द आगरा इंडिया, पूरी हिस्ट्री बता देगा, एम्पायर शाहजहां, इतना इतना इतना, अभी तो जब आप भी ढूंढ सकते, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है ना। तो उसने कहाँ से लिए, सोर्सेस भी बता दिया उसने, एक दो तीन चार पांच छह सात सोर्सेस से लिया था। मिलियंस ऑफ द आर्किटेक्ट विजिटर्स ईच ईयर, द ताजमहल इज द ब्यूटी इज द अनमैच्ड द एंड द चार्ज क्लोज, सारा कुछ दे दिया, सॉरी दिस कन्वर्स हैज इज आउट द लिमिट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वो हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट डिजाइनर डाउनलोड कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन एडिट इन डिजाइनर में भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है, बिंग एआई भी बहुत अच्छा टूल है, इससे भी हम सारी अपनी जरूरत को, चैटबॉट है, जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बिंग एआई है ना, बहुत सारी जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम यहाँ पर सर्च में जाएं तो हमें सारी चीजें, जिससे रिलेटेड सारी चीजें भी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। ताजमहल से रिलेटेड हमने ढूंढ किया था, तो ताजमहल का पूरा, पूरी हिस्ट्री, पूरी वीडियो, सारे कुछ हमें प्रोवाइड करके दे दिए, ठीक है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ठीक है ना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर माना है, तो ये सारी चीजें भी हमें सर्च में जाके मिल सकती है ना। और अपने कंटेंट से ज्यादा, जो हिस्ट्री ऑफ द ताजमहल की वीडियो भी है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग इससे बिंग एआई से ले सकते हैं, और ये भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल्स है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम सर्च यूजिंग एन इमेज, ठीक है ना, हम कोई भी इमेज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च करके ढूंढ सकते हैं, यहाँ कर टेक ए फोटो पेस्ट यूआरएल पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्राई विजुअल सर्च, सर्च विद द पिक्चर इंस्टेड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है ना। तो हमने कोई भी यहाँ से लिया, ढूंढ लिया इसको, ठीक है ना। तो देखिए ये इस तरह का क्या है, पेरिस म्यूजियम, पूरा इंफॉर्मेशन आपको, लेबर म्यूजियम पेरिस फ्रांस बुक लेबर, ठीक है, जो भी जिसके बारे में हम चाहें वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये हमको पूरा, देखिए पूरा डिटेल बता दिया और पूरा सब कुछ उसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से लेंस है ना उसी तरह से ही है। देखिए देखिए गूगल लेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, म्यूजियम पेरिस, आर्ट म्यूजियम, ये सारी चीजें उसने बता दी। ठीक है ना, तो ये भी सारी चीजें हम लोग इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठा कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो टाइम इज ओवर और आज का क्लास भी यहीं पर ही हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन था उसका जवाब देते हैं। इसके बाद जो भी अगर आपके क्वेश्चन है आप यू कैन आस्क मी। ठीक है ना, और इसमें ना देखिए वो बहुत अच्छी बन जाती है क्या, तो खैर बंद हो गया, चलो हम लोग ना टेबल जो कभी क्रिएट करते हैं ना, टेबल बहुत अच्छा बनता है इसमें। जब भी ट्राई करना आप टेबल ले ना, कोई डाटा लेना तो टेबल आप अच्छा सा बन सकता है इसमें। ठीक है ना, तो आज का सेशंस यही खत्म हो गया और हम लोगों के 3 वीक हो गए, और 3 वीक हो गए हम लोगों के, और 3 वीक के बाद हम लोग का क्या है, अब हम लोग अगले वीक, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे, और मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन था मैम का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी मैम। सर अगर हमें पजल्स बनाना है, जैसे क्रॉसवर्ड है किसी में, तो वो क्रॉसवर्ड बना के देता है क्या ChatGPT? मैम क्रॉसवर्ड जो मैंने पजल जो बताया था ना कल, आप तीन क्लास में थी शायद, नहीं थी हम नहीं, परसों से। थी, पर वो क्रॉसवर्ड पजल्स तो आ जाता है, पर वो क्रॉसवर्ड फॉर्मेशन में बना के दे हाँ सकता है? वो क्रॉसवर्ड बनाएगा आपका जब आप वो चैट जीपीटी का ना वर्जन जो 4 है ना, 4, अच्छा वो वर्जन 4 चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। क्योंकि वो अब जो ये अभी हम लोग पिक्चर बना रहे थे ना, ये फीचर्स उसमें आ गया है और उसने पेट कर दिया। यानी जो भी पिक्चर्स आप अच्छा चाहे ना वो क्रिएट करके दे देगा। पजल जैसे अगर आपने पजल्स कोई लिखी ना, वो सारी चीज उसमें आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो पेड है ना, पेड, ओके तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो 3.5 जो वर्जन है ना, ये पजल बना के नहीं दे देगा, क्योंकि ये आपको फोटो बना के नहीं दे रहा है ना। और अब हाई आने डिफिकल्टी। वाले वक्त में वो भी, जैसे कि पहले ये पेड 3.5 पेड था, ठीक है, अब नया वर्जन आ गया 4, तो उन्होंने उसको पेट कर दिया, इसको फ्री कर दिया। अब जिस तरह से वर्जन जो आते जाएंगे उस तरह से, मतलब पीछे वाला फ्री होता जाएगा, आगे वाला पैसे वाला होता जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ओके चैट जीपीटी आपको कर सकता है पजल्स के, लेकिन उसमें आपका क्या होगा, आपको पैसे पेट करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, जी और दूसरी जी चीज जी मैम आप पूछ रही थी, आप ही पूछ रही थी, मैं प्लेजर नहीं हाजिरा नहीं हाजिरा पूछ रही थी, हाजिरा पूछ रही थी, हाजिरा हाजिरा पूछ रही थी कि प्लेजरिज्म प्रॉब्लम फॉर दिस। हाँ प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है इसमें, और प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम मैंने आपको एक क्लास में बताया हुआ, याद हो कि प्लेजरिज्म ये बता देता है कि आपने जो कंटेंट कहाँ से लिया है। तो प्लेजरिज्म को रिमूव करने जी के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप एक जो एक क्यूल बोर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, क्यूल बोर्ड करके, तो उस क्यूल बोर्ड के जरिए आप अपने इस कंटेंट को रिफ्रेश करके, पैराफ्रेसिंग सर, करके आप अपने इस कंटेंट को, बहुत सारे प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि आपको ना इस कंटेंट को, बहुत सारा कुछ मैटर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, पैराफ्रेस करना पड़ेगा, तो वो प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं इसको, इस जो मेरा जो कंटेंट है, इस कंटेंट को एट इज मैं कॉपी कर लूं, और कॉपी करके किसी पेपर में पब्लिश करा दूं, तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपकी नॉलेज के लिए भी नुकसानदायक है ना। और आपके मतलब आने वाले फ्यूचर, जब आप फ्यूचर्स में जब कभी कोई नौकरी करती हैं, कुछ करती हैं, वहां पर जब ये डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आप अपने भी आर्टिकल्स को, चैट जीपीटी जो बनाया गया है, ये AI जो टूल्स बनाए गए हैं, ये सिर्फ कॉपी करके चैपने के लिए नहीं बनाए गए। चैपने समझती हैं आप, कॉपी करके पेस्ट करने के लिए नहीं बनाए गए जी ये जो सर, जी टूल्स। समझ गया सर। हाँ जी, ये टूल्स जो बनाए गए ना, आपकी हेल्प के लिए अगर बनाए गए, आपके टाइम को बचाने के लिए बनाए गए है ना,
तो ये सब यू सर। ध्यान रखना जरूरी होगा कि हम जो भी चीज कर रहे हैं ना, हम जो भी चीज कर रहे हैं वो चीज का एथिकल और अनएथिकल क्या कंसिडरेशंस क्या है। एथिकल कंसिडरेशंस जो पढ़ते हैं ना, हम क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए तो पढ़ते हैं ना कि हम अच्छे से करें, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से डाटा को ले लें, डाटा की प्राइवेसी रखें, और किसी का प्राइवेट प्रोफाइल हम किसी को नहीं बताएं। तो वही होता है एथिकल कंसिडरेशंस। तो इस एथिकल कंसिडरेशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन AI टूल्स के मदद के साथ साथ हमें अपनी भी माइंड का, अपनी अपने न्यू थॉट्स का, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे सर्वे हुए हैं, उन सर्वों की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो गई, चिंताजनक है। उन सर्वों में ये दर्शाया गया है कि माइंड, जो माइंड मेमोरी है ना, इंसान की माइंड मेमोरी बहुत कम होती जा रही है AI के टूल्स का इस्तेमाल करके। चाहे वो टेलीफोन का हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी तो पहले जमाने में एक टेलीफोन में लोगों को ना, जब टेलीफोन PNT हुआ करता था, तो लोगों को 50-50 नंबर्स याद होते थे, उनके दिमाग में रहते थे। लेकिन जब मोबाइल आया तो मोबाइल ने ना ये सारी चीजों को खत्म कर दिया, यानी उसकी प्रैक्टिस जो थी वो खत्म हो गई। उसको मतलब मेमोरी करने की, तो वो मेमोरी करने की जो प्रॉब्लम्स जो हो गए ना, फिर क्रिएट हो गई। भाई अब आ जाओ, आपको अगर आपके मोबाइल में अगर 1,000 नंबर है, तो 1,000 नंबर में आपको 4 या 5 नंबर से ज्यादा नहीं याद होंगे। मैं गारंटेड कहता हूँ आपको, 4 या 5 नंबर से ज्यादा याद नहीं होते। लेकिन उस जमाने में लोगों को 50-50 नंबर याद होते थे, 20-20 नंबर याद होते थे, वह कट 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 जल्दी से डायल किया। तो क्या हो गया ना, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्या है, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी बहुत हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर, कि आप उन फायदों का यूज करती हैं या नुकसान का यूज करते हैं। जो लोग फायदे का यूज करते हैं वो डेवलप करते हैं, और जो नुकसान का यूज करते हैं तो वो अवेयर होते हैं इससे कि हाँ, इसमें ये भी प्रॉब्लम है। सब कुछ ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है, परेशानी भी आती है, खुशी के मौके भी आते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को मिलाकर एक चीज आप ये समझ लीजिए कि आपको एथिकल कंसिडरेशन का यूज करना पड़ेगा, और इन AI टूल्स की हेल्प लेना पड़ेगी। ठीक है ना, इसको अपना, इस पर ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना, स्पीलिंग क्या है, प्लेजम की रिमूव टूल थैंक यू सो मच सर। सनी क्या बता रहे हैं, स्पीलिंग क्या है प्लेजरिंग की रिमूव टूल का, क्या बता रहे थे सनी आप, ये क्या कह रहे, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। सर आपने अभी जो सजेस्ट किया था ना प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए उसका जो अच्छा अच्छा टूल है अच्छा उनकी स्पेलिंग चाहिए। क्यूल बोर्ड, क्यूल बोर्ड में बता, एक क्यूल बोर्ड हम लोग शायद इसमें पढ़ाया पढ़ा है, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा नहीं। ठीक है, क्यूल बोर्ड है, अगर आप क्यूल बोर्ड है अगर आप डालेंगे, क्यूल में LL है, ये मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है ना, तो देख लेना अगर आप डालेंगे तो, ये क्यूल बोर्ड है ना, पैराफ्रेसिंग टूल्स है ये, पैसे कुछ तो फ्री में देता है और बाकी पैसे में देता है। ठीक है ना, तो ये है। तो और अनदर क्वेश्चंस, और कोई और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा इसको है ना, आज अजय सर नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। कोई क्वेश्चंस किसी का, हम आपको असाइनमेंट का ना टॉपिक्स हम आपको भेज देंगे। ठीक है ना, तो आप उनको देख लीजिएगा, उनका आंसर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।